जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हेल्प से ही आप घर बैठे किसी भी इवेंट को लाइव देख सकते हैं। पहले वो सिग्नल सैटेलाइट तक पहुंचाया जाता है और फिर वो सिग्नल सीधा आपके घर पे लगी हुई डिश में आ जाता है, जिससे आप उस सिग्नल को टीवी में देख पाते हैं। जियो सिंक्रनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनको प्लेनेट के अबाउट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उतना ही टाइम लगता है जितना प्लेनेट को अपनी एक्सेस में एक कंप्लीट रोटेशन में लगता है। अगर हम अर्थ की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट के ऊपर जो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, दैट वुड बी जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे आर सैटेलाइट के ऑर्बिट की रेडियस है। अगर हम इस फोर्स को मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल करते हैं, वहाँ से वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आती है अंडर रूट ऑफ जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर। सो टाइम पीरियड जो सैटेलाइट का होगा दैट वुड बी 2πr डिवाइडेड बाय v। अगर v को हम पुट करते हैं सो टाइम पीरियड इज कमिंग 2πr³/√gm। अगर इस टाइम ऑफ सैटेलाइट को हम अर्थ के रिवॉल्यूशन टाइम जो कि 24 आवर्स है उससे इक्वेट करते हैं तो ऑर्बिटल रेडियस 4,2400 किलोमीटर आ रही है। अगर सैटेलाइट की हम अर्थ के सरफेस से हाइट निकालें तो वो लगभग 36,000 किलोमीटर आ रही है। अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जिसका अपनी एक्सेस पे कंप्लीट रोटेशन का टाइम 2π r³/√gm से कम है, जहाँ पे r प्लेनेट की रेडियस है, तो उसके लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो रेडियस होगी दैट वुड बी लेस देन रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो उसके लिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को प्लेनेट के अंदर घूमना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए उसके लिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई और प्लेनेट कंसिडर करते हैं जिसका अपनी एक्सेस पे रोटेशन का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है 2πr³/√gm से, तो उस केस में जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी रेडियस ऑफ प्लेनेट से, जिसकी वजह से सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुँचने में और वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से डिले काफ़ी ज़्यादा आएगा। इसलिए उस केस में भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पॉसिबल नहीं है। अगर हम वीनस के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाते हैं तो 5 सेकेंड सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुंचने में लगेगा और 5 सेकेंड वापस आने में लगेगा। सो टोटल डिले 10 सेकेंड का आएगा, जिसकी वजह से वीनस पे टीवी सैटेलाइट पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही अगर हम सन का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 1.5 मिनट सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुंचने में और 1.5 मिनट वापस आने में लगेगा, टोटल डिले 3 मिनट का हो जाता है और सन के लिए भी टीवी सैटेलाइट पॉसिबल नहीं है।